हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी, यहाँ पे चैप्टर 10 के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है उसके क्या क्या इंपोर्टेंस यानी कि महत्व हैं, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात तो यदि समसूत्री विभाजन होता है तो देखिए समसूत्री विभाजन द्वारा जीवों के शरीर का भी निर्माण होता है। अब जब समसूत्री विभाजन के कारण जीवों के शरीर का निर्माण होता है अतः हम ये भी कह सकते हैं कि यह वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन का पहला महत्व तो आपको याद रखना है कि इसके द्वारा जीवों के शरीर का निर्माण भी होता है अतः यह वृद्धि एवं विकास में भी सहायता करता है। फिर देखिए दूसरा है समसूत्री विभाजन का इंपोर्टेंस कि यह बेसिकली गुणसूत्रों की संख्या के संतुलन में सहायक होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या के संतुलन बनाने में भी यह क्या होता है, सहायक होता है यानी कि इंपोर्टेंट होता है। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है कि घाव के स्थान पर यदि कोई मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन होता है तो वह भी समसूत्री कोशिका विभाजन से बनी नई कोशिकाओं द्वारा होता है। आप पाएंगे कि कहीं पर भी हमारे शरीर में यदि चोट लग जाती है तो तुरंत वहां पे कई नई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर स्टेम सेल पाई जाती है जो कि कई प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है। अब यदि कहीं पर भी घाव लग जाता है तो वहां पे तुरंत माइटोटिक यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन होने लगता है जिसके परिणाम स्वरूप जल्दी जल्दी नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। तो जो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है उसमें भी समसूत्री कोशिका विभाजन अहम रोल निभाता है। चौथा इंपोर्टेंस देखिए क्या है कि निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं, निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं में माइटोसिस द्वारा प्रजनन भी होता है। आप पाएंगे कि प्रजनन की जब भी बात आती है तो चाहे वो आपका मुख्य रूप से जो कायिक प्रजनन होता है, कायिक जनन में आप देखेंगे कि अक्सर आपको समसूत्री यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन ही देखने को मिलेगा। समसूत्री कोशिका विभाजन चूंकि तीव्र गति से होने वाला विभाजन होता है और यह समान प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है और इसके कारण गुणसूत्रों की संख्या भी समान बनी रहती है। आप ये तीन पॉइंट अलग से भी नोट कर सकते हैं। पहली बात तो समसूत्री विभाजन तीव्र विभाजन होता है, इसके द्वारा कोशिकाओं का समान रूप से विभाजन होता है। दूसरा आप ये भी बता सकते हैं। तीसरा यह है कि इसके द्वारा कोशिकाएं कैसे विभाजित होगी, तो जैसे एक से दो कोशिका बनेगी, दो से चार कोशिका बनेगी, चार से छह कोशिका बनेगी। इसीलिए तो आप पाएंगे कि जो भी पौधे होते हैं उनमें बेसिकली कायिक प्रजनन होता है। अब अधिकतर पौधे जिनमें कि कायिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है उनमें माइटोटिस यानी कि आप पाएंगे कि उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन ही होता है जिस कारण से ही तीव्र गति से विभाजन हो सकता है। तो समसूत्री विभाजन एक तीव्र गति से होने वाला विभाजन होता है जो कि प्रायः कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है और यह एक तीव्र विभाजन होता है। इसके बाद देखिए आप पाएंगे कि जैसे कि हमने आपको बताया कि माइटोसिस के द्वारा ही कई प्रकार के पौधों में प्रजनन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए यहां पे, जैसे मान लीजिए जलकुंभी एक प्लांट होता है जो कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट होता है यानी कि जलोद्भिद पादप होता है। तो जलकुंभी जो कि बेसिकली एक प्रकार का समुद्री खरपतवार होता है, देखिए जलकुंभी की यदि हम बात करते हैं तो यदि ये किसी भी तालाब में यदि दो तीन जलकुंभी भी फैल गई है तो वो आप देखेंगे कि एक मंथ के अंदर ही देखते पूरे तालाब में जलकुंभी फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जलकुंभी में इतना तीव्र गति से विभाजन होता है और चूंकि समसूत्री विभाजन होता है अर्थात समान प्रकार से लगातार उनके अंदर की कोशिकाएं या सेल जो है डिवाइड होती रहती है जिस कारण से आप पाएंगे कि बहुत जल्द वह पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेगी जलकुंभी। इसीलिए कहते हैं कि समसूत्री जो विभाजन होता है तीव्र गति से होने वाला विभाजन होता है और इसके द्वारा गुणसूत्रों की संख्या भी समान बनी रहती है। यह चीज भी आपको नोट करके रखनी है। अगला इंपोर्टेंस देखिए क्या है कि शरीर में जो WBC होती है, RBC होती है अर्थात रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स आदि जो कि निश्चित समय अंतराल के बाद नष्ट होती रहती हैं, इनकी भरपाई नए बने कोशिकाओं द्वारा होती है जो माइटोसिस द्वारा ही बनते हैं। अर्थात हमने आपको पहले ही बताया कि नई प्रकार की कोशिकाओं की उत्पत्ति भी समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। तो जब नई प्रकार की कोशिकाएं बनेगी तो वहां पे किसका अहम रोल रहेगा, समसूत्री कोशिका विभाजन का, जिस कारण से ही तो जो WBC होती है या RBC होती है या प्लेटलेट कणिकाएं होती है, आपको पता होगा या ज्ञात होगा कि इनकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है अर्थात एक निश्चित अवधि के बाद RBC या WBC नष्ट होते रहते हैं। तो जब चूंकि वे नष्ट होते रहते तो उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण कहां से होगा,
तो यहीं से होगा। किसके माध्यम से? समसूत्री कोशिका विभाजन के माध्यम से ही होता है। इसके बाद देखिए अगला इंपोर्टेंस क्या है कि यह कोशिका विभाजन बेसिकली केंद्रक कोशिका द्रव्य संतुलन को बनाए रखता है। किसी भी पर्टिकुलर कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक द्रव्य के संतुलन को आपस में बनाए रखता है। यदि समसूत्री विभाजन तरीके से होता रहता है तो केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी संतुलन कोशिका के अंदर बना रहता है। इसके बाद देखिए आखिरी इंपोर्टेंस क्या है कि जीवों में जो कैंसर नामक रोग होता है जो कि अनियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन के दौरान होता है, इसमें भी माइटोसिस का ही प्रतिफलन है। अर्थात समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही यदि कहीं पे कैंसर हो जाता है तो लगातार वह कैंसर की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर के कैंसर का बड़ा रूप ले लेती है, तो वहां पर भी माइटोसिस की ही भूमिका होती है। क्योंकि माइटोसिस यदि नहीं होता तो वहां पर एक कोशिका की जगह में कई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। इसीलिए आप पाएंगे कि कहीं पर भी यदि कैंसर हो जाता है तो लगातार वह अपने स्थान पर बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर माइटोसिस यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन लगातार से होता रहता है। तो देखिए समसूत्री कोशिका विभाजन का जो इंपोर्टेंस है काफी इंपोर्टेंस है, इनको आपको तैयार करना है। अक्सर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।